लखनऊ के गोमती नगर में युवती से अभद्रता के मामले में कार्रवाई तेज, अरबाज और विराज साहू समेत चार आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। लखनऊ में लड़की से अभद्रता पर सीएम योगी का एक्शन, डीसीपी एडीसीपी एसीपी को पद से हटाया, एसएचओ चौकी इंचार्ज और चौकी के सभी पुलिसकर्मी निलंबित किए गए। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, एससी एसटी रिजर्वेशन के भीतर सब क्लासिफिकेशन कर सकेगी राज्य सरकार। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने 6-1 से सुनाया फैसला। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उपवर्गीकरण का आधार राज्य के सही आंकड़ों पर आधारित हो, इस मामले में राज्य अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर जारी, मंडी में ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा, ड्रोन वीडियो आया सामने। हिमाचल के कुल्लू में भारी बारिश से पार्वती नदी में उफान, नदी किनारे बनी एक इमारत ढहकर पानी के तेज बहाव में बही। हिमाचल के कुल्लू जिले में निरमंड में भारी बारिश से मची तबाही, कई गाड़ियां और मकान बहे। मूसलाधार बारिश के बाद कुल्लू में मलाना डैम ओवरफ्लो, डैम की दीवार टूटने से आशंका, आसपास के इलाके में आई बाढ़। शिमला के रामपुर में समेज खड इलाके में बादल फटा, 36 लोग लापता, रेस्क्यू में जुटी एसडीआरएफ की टीम। हिमाचल के कई जिलों में मूसलाधार बारिश, धर्मशाला के कई हिस्सों में हुई तेज बारिश, केदारनाथ मंदिर के पास बादल फटा, यात्रा रुकी, 200 श्रद्धालु फंसे, किसी तरह की जनहानि की कोई खबर नहीं। बादल फटने की वजह से केदारनाथ पैदल मार्ग का बड़ा हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त, तेज बारिश के चलते सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच की सड़क बही। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में बादल फटने की तबाही, डांग गांव में खेतों में भरा पानी, कई सड़कें क्षतिग्रस्त। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के चलते भूस्खलन, रुद्रप्रयाग में 10 रास्तों को किया गया बंद, प्रदेश के 126 मार्ग का यातायात हुआ ठप। रुद्रप्रयाग के सोनप्रयाग इलाके में भारी बारिश से नदी में बहा पहाड़ का एक हिस्सा, लैंडस्लाइड के चलते पैदल मार्ग और सड़कें बंद। अल्मोड़ा में मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर, कई मकानों को पहुंचा नुकसान, अल्मोड़ा शेरघाट मोटर मार्ग में भू धसाव, यातायात बुरी तरह प्रभावित। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्य का लिया जायजा। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर बादल फटने के बाद सीएम सुक्खू ने की समीक्षा बैठक, शिमला के रामपुर में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में अधिकारियों से ली जानकारी। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बादल फटने की घटना के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से बातचीत की, जेपी नड्डा ने केंद्र सरकार की तरफ से हर मदद का दिया भरोसा। देश की राजधानी दिल्ली में भारी बारिश, आईटीओ इलाकों में सड़कों पर भरा पानी, यातायात बाधित। दिल्ली के गाजीपुर में जलभराव के चलते पानी से भरे नाले में डूबने से 22 साल की एक महिला और उसके बच्चे की मौत, हादसे के बाद जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के दरियागंज में भारी बारिश के चलते गिरी स्कूल की दीवार गिरने से पास में खड़ी गाड़ियां क्षतिग्रस्त। बिहार के रोहतास में झरने में पानी का बहाव बढ़ने से 35 लोग फंसे, लोगों ने एक दूसरे के हाथों को पकड़कर बचाई जान। पंजाब के मोगा में मूसलाधार बारिश, घरों में घुसा पानी, लोगों की मुसीबतें बढ़ी। महाराष्ट्र के खिरपाड़ा में रोजमर्रा की जरूरी चीजें लाने के लिए नदी को तैरकर पार करते दिखे गांव वाले, भारी बारिश में पुल बहने के बाद गांव से संपर्क टूटा। राजस्थान के जयपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, शहर के कई हिस्सों में सड़कों भरा पानी, धीमी हुई वाहनों की रफ्तार। जयपुर में भारी बारिश ने मचाई तबाही, एक मकान ढहा, लोगों की परेशानी बढ़ी। वायनाड में हुए लैंडस्लाइड में अब तक करीब 200 से ज्यादा लोगों की मौत, 191 से ज्यादा लोग लापता। वायनाड लैंडस्लाइड में 200 से ज्यादा लोग हुए घायल, सेना ने अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को किया रेस्क्यू। वायनाड हादसे पर अमित शाह के बयान पर बोले मनोज झा, त्रासदी के समय हमें एकजुट होना चाहिए, केंद्र और राज्य सरकार के मिलकर बचाव कार्य करना चाहिए। उद्धव ठाकरे बोले, हमारे साथ बड़ी संख्या में मुसलमान और ईसाई समुदाय के लोग, उन्हें हमारा हिंदुत्व स्वीकार है, बीजेपी और हमारा हिंदुत्व अलग है। यूपी सरकार पर अखिलेश यादव का निशाना, ट्वीट कर लिखा, यूपी में प्राथमिक शिक्षक और अन्य भर्तियों के नाम पर युवाओं को प्रतीक्षा के अलावा कुछ नहीं मिला, बीजेपी सरकार यानी झूठा इंतजार। अखिलेश यादव को लेकर बोले केशव प्रसाद मौर्य, यूपी विधानसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चल रही है, वो अब दिल्ली वाले हैं, दिल्ली की चिंता करें। गुवाहाटी में असम सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने किया पौधारोपण, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लगाया पेड़। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन मुंबई में चैत्य भूमि स्मारक पहुंचे, बाबा साहेब अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में बोले आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होस, बोले छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक मराठा राजा नहीं बल्कि हिंदवी स्वराज के प्रेरणा स्रोत हैं। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन भारत के दौरे पर, राष्ट्रपति भवन में हुआ औपचारिक स्वागत। वियतनाम के प्रधानमंत्री राजघाट पहुंचे, महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। नई दिल्ली में आयोजित हुआ विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र, प्रतिनिधियों ने मेजबान भारत का जताया आभार। लेबनान के बेरूत में भारतीय दूतावास ने मौजूदा हालातों के चलते भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की, भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की दी सलाह।
जम्मू कश्मीर के सांबा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, बीएसएफ जवानों ने घुसपैठियों को ढेर किया। मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर फैसले का दिन, 18 याचिकाओं पर दोपहर 2 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट का आएगा ऑर्डर। तमिलनाडु में कई जगहों पर एनआईए का छापा, रामलिंगम मरा केस में एनआईए की छापेमारी। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे को लेकर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी, पुलिस ने की इलाके की बैरिकेडिंग। महाराष्ट्र के ठाणे में एक घर में छत का प्लास्टर गिरा, हादसे में एक महिला और पुरुष घायल। गुजरात के अमरेली में मूंगफली की फसल को कीड़े लगने से भारी नुकसान, किसानों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। झारखंड के लातेहार में दर्दनाक हादसा, करंट लगने से 5 कांवड़ियों की मौत, 3 लोग घायल। यूपी के मेरठ में निकली कांवड़ यात्रा, जिलाधिकारियों ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा। बॉक्सिंग वुमेन्स 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में निकल जरीन का मुकाबला, आज राउंड ऑफ 16 में चीन की वुयू से होगी भिड़ंत। प्रवीण जाधव तीरंदाजी की एलिमिनेशन राउंड में उतरेंगे, दोपहर 2:30 बजे होगा मुकाबला।